काफ़ी सारी महिलाएं कहते हैं कि राहुल भैया हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हैं। हार्मोन्स का मतलब जो शरीर को हमारे यूज़ में लेते हैं या फिर शरीर को एक्टिव रखते हैं या फिर शरीर की सारी प्रक्रियाओं को रोकथाम में रखते हैं या फिर जो भी शरीर को हमारे चलाते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का क्या मतलब है? जब आपके शरीर के हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएँ यानी कि हार्मोन्स ऊपर नीचे गड़बड़ा जाएँ तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों का मोटापा बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वजन घट जाता है, कुछ लोगों को सांस फूलने लग जाता है, किसी को कमर में दर्द होने लग जाता है, किसी को पैरों में दर्द है और किसी को तो यहाँ तक शिकायत आती है कि उनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अगर आपकी शादी को लंबा टाइम हो चुका है और आपको भी यही समस्या चल रही है कि भैया डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि हार्मोन्स इनबैलेंस का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं रुक पा रही है, तो आप देखिए बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑल पर कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फ़ोन पर देखने के लिए मिल जाए। तो बात करते हैं अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस चल रहे हैं और उसके कारण से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी शादी को 2 साल 3 साल 4 साल मीन्स 2 साल से ऊपर हो चुके हैं या फिर 1 साल से ऊपर हो चुका है तो आपको जो हम दवाई बताएं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपकी जो शादी को समथिंग अभी एक साल के अराउंड में हुआ है मीन्स 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 महीने इस अंडर में हुआ है तो आपको ये दवाई इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस देखिए दवाई ये है कि हमारे पास में एक दादी माँ रहती हैं जो कि हर चीज़ की दवाई बनाते हैं मोस्टली प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। ओके गाइस तो उस दवाई का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, किस तरीके से वो मंगवानी है तो वो चीज़ें आपको स्क्रीन पर नंबर मिल रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। और आप अपनी दवाई मंगवाने के लिए सिंपल आपको अपना फुल एड्रेस भेजना होगा फ़ोन नंबर के साथ अगर दवाई मंगवाना चाहती हैं या हार्मोन्स इनबैलेंस की प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी दवाई का इस्तेमाल करके मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट हुई थी और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हमें एक बेबी भी है। स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये हमारे बेबी का फोटो है। तो नॉर्मली गाइस ये तो बात होगी उन लोगों के लिए जो लोगों की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुके हैं और अगर आपकी शादी को अभी छोटा सा टाइम हुआ है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखो, अपने खान पीन पर ध्यान रखो। अगर ऑफिस वर्क करते हो तो आप अपना थोड़ा बहुत वर्क किया करो, अपने टाइम से घर आओ, टाइम से जाओ, अपना अच्छा खाना खाओ, टाइम से वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो और रिलेशन में टाइम से टाइम आओ। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स में भी रिलेशन बनाएं, इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी और हार्मोन्स इनबैलेंस को लेकर। सो आई होप गाइस जो समझाने की कोशिश की है आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बाय बाय गाइस, लव यू टू ऑल, टेक केयर।